गाइस नहाने के बाद कौन साबुन लगाता है? आज हम जा रहे हैं मौसी के घर और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। कुकू कहाँ गई? कुकू नमस्ते नमस्ते। कल तो वायरल है। लो भाई मॉडलिंग देख लो। भाई रिश्तेदार ने बुलाऊंगे तो थोड़ा बैठने का तरह हो। हवा लगे ना झाड़ा रे किसा रोग इसक कलागी तू। हवा लगे ना झाड़ा रे किसा रोग इसक कलागी तू। हेलो गाइस ये देख रहे हो भाई आज क्या हो रहा है कनिका का। और अभी हम जा रहे हैं गाइस मौसी के घर पे। क्यों कह कर तू साबुन क्यों लिप लिया? गाइज नहाने के बाद कौन साबुन लगाता है भाई? साबुन नहीं है ये सनस्क्रीन है और सनस्क्रीन हमेशा इतनी ज्यादा लगानी चाहिए। अच्छा तभी हमारी स्किन को। आज हम कहाँ जा रहे बता दो इनको। आज हम जा रहे हैं मौसी के घर और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ भाई। और अपना ब्लॉग का इंट्रो दे दे। हेलो गाइज वेलकम टू माई ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग चैनल पे। हालांकि मैं रेडी होने के बाद अपना शुरू करती ब्लॉग बट रोहित ने पहले ही कर दिया और सनस्क्रीन को साबुन बता रहा है भाई। और फुल लुक गाइस कुछ किमी की ऐसी आ रही है और मम्मी की लुक देख लो। यार ये तो गलती कर रहा है हमारे जैसे लोग। क्यों यार लोग नु सोचे धूप में जहाँ जब भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए बट ऐसा नहीं है। आप घर पे जो लाइट है ना इससे भी हमारी स्किन खराब हुआ है तो हमेशा सनस्क्रीन लगा के रहो। गाइज मैं पिछले एक घंटे से रेडी होके बैठा हूँ यहाँ लेट। वो रेडी हूँ मतलब मैं जाऊँगा और 1.5 लाख रील देख ली भाई। रील का भी नशा आएगा लगता रहा आदमी देखने बैठ जा फिर देखिए जा। और किस किस को गाइज ये नशा है बताओ कमेंट करके। नशा आई हुई किस्म था मतलब फोन एडिक्शन का ना कहीं का। और फुल लुक दिखाते हैं बैक कैमरे में। ये है गाइज आज की फुल लुक। अरमानी की टी शर्ट पहनी आज मैंने और पेट मेरा थोड़ा सा कम हो गया है गाइस। मैं सूट सिलाई करवा दूं। अच्छा लग रहा है ज्यादा है मैंने नीचे वजन ज्यादा ज्यादा लग रहा है। हां है ये सूट नीचे ज्यादा ज्यादा है। चलो यार लेट ज्यादा हो जाएंगे फिर वहां पर हमने आना भी है उल्टा। गाइस कनिका अभी तक रेडी नहीं हुई है। अरे ब्याह थोड़ी ना यार कनिका भाई इतना ही बोझ कनिका में और इतना ये इनमें ये जो लटका है पाछे दिल से। हां और एक बार दिल ना बढ़वाए मैंने मना कर दी मगर वो दिल बहुत कुकु खा रही है। कुकु खा रही है माही। तन एक चीज और नोटिस कर ये पर लटका है ना पता है कर रो तेरा हेयर स्टाइल नहीं फिर तूने कुछ और चेंज करने के लिए कहा था चूड़ी। मैंने रोहित पूछी थी इसने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल ले देते किसी लग गए यार तू। चल यार तू लेट क्यों करवा रही है? जल्दी खाना खाओ अपना। खाना खाया डन्ना भजिया हुए जा जल्दी खाया रोटी खा ले। ए लो भाई रेडी की तक कुकू कुकू के भी मैंने कपड़े वपड़े ले लिए अपना चार्ज ले लिया अपना पर्स ले लिया और मम्मी ने जोत वगैरह लगा ली है क्योंकि ईब जाने हम लेट लग रहे हैं तो लेट ही वापस आएंगे। तो आ जा कुकू थोड़ा आगे तक पैदल चल फिर तेने गोदी में लूंगी। कितनी गलीली देख दे ओ हाँ जाओ भाई। एंड एवर सही मैं वो सट्टे मार गया के हैं भैया ढाका की गाड़ी है मेरा ना मारी एंड एवर की तो मैं इस तक हूँ मगर सही मैं तो ना अपनी सट्टे में भेज वो हार गया के गाड़ी ढाका लेके जा रहा है। लेकिन भाई मम्मी और रोहित गए हैं आइसक्रीम और फ्रूट्स लेने और कुकू को चाटी लगी आ जा आ है वे देखो यानु करण लग जाए अकीने छोड़ के हाँ तन्ने लेके जाएंगे सारे के बुद्धू। इस गर्मी में आइसक्रीम करवा ली है भाई पैक मौसी की और लेंगे आगे से फ्रूट्स वगैरह ठीक है ना है आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम ठीक रहा है यार आप भी किधर जाओ ना आइसक्रीम ले जाए यार अगले भी राजी हो जाएंगे नहीं फ्रूटा का जमाना गया ही फ्रूट पड़े पड़े रहे कोई ना खाता फिर उन्हें जमाना गया लेकिन लेके जाने पड़ते फ्रूट्स ही हैं। हाँ फ्रूट्स भी लेंगे अब लेकिन जो आइसक्रीम देख कर दिल खुश हो जाएगा ना क्योंकि बच्चे भी है वहाँ पे और आपको मिलवाऊंगा भाई मैं मेरी मौसी की जो छोरी है बाकी आप जो
आशीष है भाई मौसी वाला, उससे तो आप मिल लिए होगा, अभी तक आप मिल लिए होगे, मम्मी के बर्थडे पे आए थे। और बाकी आज मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, नहीं कनिका अपना फोन में व्यस्त हो रही है, अस्त व्यस्त। ले भाई कुकू को ड्रेस पहना दी है, इसका पट्टा ले आई तू मम्मी को, ये फ्रूट्स लाने के लिए बिरना कितने लेकर आओगी भाई, मंद चादर चादर दिखने लग रही फ्रूट ये दिखते हैं गोले हैं कितनी गर्लिश लग गए इसमें फ्रॉक में। कुकू शराफत देखो ऐसे डराने लग रही है यार, तू भी डरास के कुकू की है ना, अब करो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, अच्छा कैसे गई है करवाएंगे फिर डांस, अच्छा बता अपना नाम बता मामी को, क्या नाम बताओ भाई, अच्छा ये भी बताएगी अपना नाम बताओ, क्या वर्णिका, ये मेरी है, ये मेरी है, अच्छा कहाँ रखे थे, अरे वाह आपका नाम क्या है, कौन सा है चश्मे वाला गाना, अच्छा अपने आप आओ क्लैपिंग सही कह रही है भाई, गाम माते करिए फैंस आ गए, अर करिए की पहली फैन तो याद ही ये मुझे एक बात मुझे भाई सुमन बता ठीक है, पूछ ले पूछ ले, पहला एक बार फोकस करता है ए
आ जाओ मिल लो। ले भाई तारीफ चल रही है कदी का की कल तो वायरल हो जाएगी है गाइस, इसने वायरल कर दो सुमन ने, इसकी हंसी ने वायरल कर दो, अरे स्टार्टिंग वीडियो में लगा दी हंसी गाइस, जितनी सुमन देखा नु हसी हो दुबरिया हंस दी मोशी कुछ बताओ है क्या करेगी ले भाई आ जाओ लो भाई मॉडलिंग देख लो, अपना नाम भी बता दो यहीं पे, हिताक्षी बेनीवाल को भाई बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बताओ कैसी मॉडलिंग करी ए तू और कर दे गाइस शेक्स पार्टी चल रही है, ये लोग अपने हाथों पी नहीं रहे, मर्द प्यार लग रहे हैं, हेलो नहीं काट लेगी ये ये भी नहीं खाती नहीं ये फिर काटती है हमने सही में कुछ ना करा जब से बातें ही कर रहे हैं एक आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मिनी मीटअप हो रहा है ना बहुत ज्यादा है मोसी ये ये बहुत ज्यादा है दोबारा चलेंगे मौसी सब्जी भी दो थी सूखी भी थी उसी भी थी आए सवाल पूरे पांच घंटे
हाँ ऐसे मिनी बस में मिनी बस कर लेंगे चुन्नी के साथ परफॉर्मेंस की जाएगी अभी अलग स्टोरी चल रही है क्लैपिंग तालियां लो गाइस आइसक्रीम खा लो क्या हुआ डॉगी कहाँ गया डॉगी वो रहा चलो भाई मिलते हैं जल्दी 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 हाँ जल्दी जल्दी है आ जाओ मम्मी आ जाओ बता तो दो कौन बड़ा है कौन छोटा है रोहित गाइस को बता तो दो कौन बड़ा है कौन छोटा है मैं तो छोटा है ये सब तो छोटा है और गाइस मैं सबसे बड़ी हूँ इसके बाद मेरा नंबर है मोनू 37 मौसी आपका डांस तो रहेगा आज ले भाई फोटो के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं अड़े बाल के अंदर ले लो जाओ जाओ सारे लाइन में बाय 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 बच्चों बाय कुकू को लेके जा रहे हम कुकू तो जा रही है लेकिन छुप गई कुकू गाड़ी में जाना है गाड़ी में परेशान हो रही कुकू ये रही कुकू न्यू लेके आएंगे न्यू बाय कर दो कुकू सबको बाय बाय मम्मी भी रहना भाई क्या बात हम लाग रही है मम्मी आ जाओ ना क्यों बुड़के पर है मन्ने की गई है
आ जाओ। ओके मोशी भाई, ओके सुमन, ओके मोनू, ओके बच्चो, ओके भाई। तुम यार तेरे आ रहो। तो हम निकल लिए हैं और यहाँ से हम आ जा रहे हैं ना अभी रास्ते में जाम ना ऑफिस। हाँ देखेंगे भाई कितना काम हो गया कितना, क्योंकि बहुत जल्दी गाइस। हमारा वैसे प्लान यो था कि कल हम हवन कर ले, लेकिन अभी वो डिले हो गया थोड़ा, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है भाई। रिश्तेदार ने बुलाऊंगे तो थोड़ा बैठने का तरह हो, ये तो कुछ भी ना हो, गर्मी में मर जाएंगे बहुत मुद्दे। तो पहले एक बार ऑफिस सेट करेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से हवन करके और बढ़िया तरिया सब ने बुलाऊंगे। पूरी स्पॉटलाइट देकर रोहित फोकस दे रहा है। यहाँ एक प्रॉब्लम है, अभी तक लाइट्स लगी नहीं है। अंदर तो लाइट है, लाइट है अंदर, बल्ब ना चढ़ा रखे होंगे। चलो चढ़ रहे हैं मम्मी। हम इस टाइम पहली बार आए हैं ना, तो ये बार की चीज का कहीं पे पता चलेगा। पेंटर अंदर काम कर रहे हैं गाइस, और बहुत जल्दी हमारा रेडी हो जाएगा और फिर हम हवन करवाएंगे, है ना। बिल्कुल, ये क्या कहा, हम तो पेड़ पेंट हो गए हैं वैसे दरवाजे। ये देखो लाइट तो है यहाँ, ये देखो पेंट होने के बाद कितना फर्क हो गया है ना। एक दरवाजा तो भी वो हो गया और ब्राइट ब्राइट। अकेले तो डर लग गए अंधेरे में। नया घर है ना, अभी वाइब्स शुरू ना हुई है यहाँ की, रहन लग जाए है ना इंसान फिर तो ठीक हो जाए। हेलो, अरे ठेकेदार समझ रहे हो, जो सामने नीचे का जरूरी है भाई, नीचे का सामने का हम सामान रख लेंगे, कल सफाई करवा दे 100% ताकि हम सामान रखना स्टार्ट करवा दें। अरे ये जो बार बार का जो फ्रंट है ना, इस पर लग जाओ। आ गए हम घर, मर गए रे गर्मी में। चलो चलो एसी चलाओ और शांति से बैठ जाओ। लो भाई अब चेंज कर लेती हूँ और एक बार बैक कैमरे से सूट फिर से दिखा देती हूँ। अगर किसी को बाय करना हो तो कनिका कलेक्शन से कर लेना, ये भी और इसमें कलर्स भी हैं चार, तो आप बाय कर सकते हो। नंबर है 8587919291। बैकग्राउंड मत देखना, ये देखो ये दुपट्टा, ये सूट का कलर, ये बॉटम। तो गाइस स्किन केयर करने के बाद हमारा वही रूटीन में कोई मूवी देखने का, तो आज हम मूवी देख रहे हैं ब्लैकआउट। हमने कोई आइडिया नहीं क्या है ना, है ना। बस लगा ली काम का या आज बच्चा ने थका दी, ये देखो मस्त पढ़ कर सोन लग रही है। चलो देखते हैं हम ब्लैकआउट मूवी और फिर बताते हैं आपको कैसी लगी। अगर अच्छी हुई तो सजेस्ट कर देंगे, ना तो तुम अपना टाइम खोटी मत करियो यह मूवी देख कर, ठीक है ना। ये है गाइस रोहित की मिडनाइट क्रेविंग्स। ये क्या है टैको, और ये ना यू विल लव इट, नई चीज़ है कोई। मेरे मतलब का कुछ भी ना है। अरे यो क्या है, फ्राइज खा लूंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, और कल रात को रोहित सो गया, इसने पूरी मूवी नहीं देखी, ब्लैकआउट तो ही गला हो गया। अरे तेरे मेरे तो पूछी भी ना रोहित किसी लगे में लास्ट में, वो जो बक्सा उसने उठाया हुआ है ना, नू सोच का कि इसमें ट्रेजर है, उसमें गन पावे हैं, फिर उसने वो मर जा है वो जो डोन हुआ है, और फिर वो नू कह मेरी बस एक विश पूरी कर दिए कि जहाँ मेरा घर है मैंने वहाँ पे दफना दिए पेड़ के नीचे। तो वो उसने दफनान जा है तो देखा है वहाँ पे खोदते वक्त इतनी बड़ी बड़ी सोने की ईट पावे उन्हें, तो एंड में उसने ट्रेजर मिल जा है और उसकी वाइफ उससे धोखा दे, मतलब ये क्या बताऊँ तुमने, तो ना आगे का बेरा ना पीछे का। कुल मिला के बात क्या है, बेकार मूवी है ब्लैकआउट, कोई मत देखियो, अपना टाइम खोटी करोगे। मन ने तो कर लिया टाइम खोटी, यो मस्त पड़कर सोया है। तो अभी इसी के साथ मैं ब्लॉग करती हूँ एंड, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में हम क्या दिखाएंगे, कोई आइडिया नहीं है।
उठेंगे नाउन धोंगे चाहे तुमने खैर पी ली और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अब हम नेक्स्ट क्या बनाएंगे क्या दिखाएंगे। तो ठीक है गाइज मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।